नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट को बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया गया है या साइबर सेल के द्वारा होल्ड कर दिया गया है, तो आप इस स्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उस अमाउंट को अनहोल्ड करवा सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपका अकाउंट में बैलेंस को होल्ड क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है? तो होल्ड करने का कई रीजन्स हो सकते हैं। जैसे कोई पर्सन आपके अकाउंट में गलती से पैसा भेज दे, जी हाँ, कहीं दूसरे जगह पैसा भेज रहा था और वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाए, क्या करेगा कि साइबर क्राइम का सहारा लेगा और वो कंप्लेन करेगा कि मेरा अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे अकाउंट में, या फिर अपना होम ब्रांच में जा करके बैंक को एप्लीकेशन लिखेगा। इस स्थिति में जितना अमाउंट आपको वो पर्सन भेजा था उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होल्ड हो जाएंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप किसी तरह का फ्रॉड किए हैं, जी हाँ, किसी तरह का लिंक भेज करके या पेमेंट रिक्वेस्ट भेज करके आप उसके अकाउंट से धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इस स्थिति में भी वो साइबर क्राइम में कंप्लेन करेगा और आपका अकाउंट में उतना अमाउंट जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। तो ये सब रीज़न है अकाउंट में बैलेंस का होल्ड होने का। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होल्ड हो गया है तो आप कैसे अनहोल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक का होम ब्रांच में जाना है। होम ब्रांच में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिख करके आपको बैंक मैनेजर से मिलना है और उन्हें बताना है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस होल्ड हो गया है, इसे अनहोल्ड कर दीजिए। उन्हें पूरा डिटेल बताना है। तो वो पूछेंगे कि आपके अकाउंट में ये बैलेंस कहाँ से आया, तो आपको पूरा जानकारी देना है। यदि कोई पर्सन गलती से अमाउंट आपके बैंक में भेज दिया था तो वो पैसा रिफंड करने के बाद आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो अनहोल्ड हो जाएगा। और यदि साइबर सेल के निर्देश के अनुसार आपका अकाउंट होल्ड हुआ है तो बैंक मैनेजर आपका अकाउंट का बैलेंस अनहोल्ड नहीं कर पाएंगे गाइज। इसके लिए आपको वेट करना होगा, साइबर सेल के द्वारा आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस के अनुसार जो भी आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा वो साइबर सेल के ऑफिस में जाकर सबमिट करना है और पूरी तरह से जांच चलेगा। यदि आप दोषी होते हैं तो आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। आप निर्दोष पाए जाते हैं तो वो अमाउंट अनहोल्ड कर दिया जाएगा। यदि आपका बैलेंस वो रहता है तब, यदि किसी दूसरे का अमाउंट रहता है तो वापस उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह से आप अपने अकाउंट में होल्ड अमाउंट को अनहोल्ड करवा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।